गाइस अब तक जितनी भी पीसीज वगैरह मैंने आप लोगों को रेकमेंड करी है, मैंने उसमें आप लोगों को सिर्फ कंपोनेंट्स बताए थे और आप लोगों ने मंगाए थे और अपनी अपनी पीसीज बिल्ड करी थी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्चुअल में कंपोनेंट्स मंगवा कर दिखाऊंगा, पीसी में आप लोगों को यहाँ पर बिल्ड करके दिखाऊंगा, यानी कि हम एंड टू एंड जो सारा काम है वो करेंगे। कैवियट्स के बारे में बात करेंगे, किस पीसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा कंपोनेंट शायद मुझे चेंज करना चाहिए था या मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं हूँ, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने ये पीसी बिल्ड जो है उन लोगों के लिए निकाला है जिनको जरूरत है एक बहुत ही बजट में बिल्ड करने की, बट एट द सेम टाइम उनको सॉफ्टवेयर चलाने हैं जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो, गेम्स खेलने जैसे कि GTA Vice City एंड GTA 5। तो यार मैं तो इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भी जाने वाला हूँ Amazon पे, आपको वो सारे पार्ट्स दिखाने वाला हूँ जो हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं। आई होप यू आर एक्साइटेड एंड आई एम इक्वली एक्साइटेड एज वेल। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जल्दी से अपने पार्ट्स को ऑर्डर कर देते हैं। तो यार मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने यहाँ पर खोल लिया है Amazon। तो ये वो पीसी पार्ट्स हैं जो कि मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोग को ये दिखा दूं कि हम लोग प्रोसेसर कौन सा यूज करने वाले हैं। हम लोग यूज करने वाले हैं AMD का Ryzen 3 3200G और इसका कॉस्ट जो है वो चेंज होता रहता है। अब ये 7000 का भी मिल रहा था अभी एक दिन पहले, मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगा। अगला आइटम मेरा होने वाला है रैम, तो मैं एक 8GB की रैम लगाने वाला हूं और मुझे सबसे बढ़िया प्राइस पर यही रैम दिखी थी। और हाँ यार क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज मंगा लो और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दो, नहीं हम ऐसा कोई काम नहीं करने वाले। SSD मैंने बड़ी मजेदार चुनी है, 250GB का इनफ है, हम एक बजट PC बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, 947 हमारा बजट है और इसके बाद अगले PC पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में मैंने चुना है आंट वैल्यू का B450MAD, ये काफी सस्ता मदरबोर्ड है, इसके अंदर आप ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो, इसमें 2 RAM के स्लॉट्स हैं और क्या ही चाहिए यार। अगले PC पार्ट की तरफ बढ़ूंगा, कैबिनेट और PSU कॉम्बो की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये वाला चुनवाऊंगा। और क्यों मैं आप लोगों को ये वाला चुनवाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है 400 वाट की एक पावर सप्लाई आती है। क्या ये सबसे बढ़िया पावर सप्लाई है? नहीं, अच्छी पावर सप्लाई नहीं होती है, लेकिन हम क्यों लगा रहे हैं इसमें? हाँ मुझे पता है ये रेटेड पावर सप्लाई नहीं होती है, ब्रॉन्ज रेटेड भी नहीं होती है, ये बड़ी सिंपल सी लोकल पावर सप्लाई होती है, लेकिन क्योंकि हमारे कंपोनेंट्स यहाँ पर वारंटी पे हैं इसलिए हम ये लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ मुझे पर्सनली कभी इससे दिक्कत नहीं आई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे लोग इसको एक बहुत बड़ा रिस्क बताते हैं। देखो मैंने पिछले 5 सालों में कम से कम 10 से 15 लगा दी होंगी SMPS और एक भी खराब नहीं हुई, ये मेरा डेटा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस खराब नहीं हो सकता, कोई चांसेस नहीं है, लेकिन ये मेरा डेटा है और यार हम बजट पे है तो हमें ये लगाना ही पड़ेगा, वरना आप लोग SMPS मंगवा सकते हो एंड स्पोर्ट्स की, लेकिन मैं ये वाली मंगा रहा हूँ। मुझे कैबिनेट भी मिल रहा है, मुझे SMPS भी मिल रही है और यहाँ पर बड़ा मजेदार मुझे कैबिनेट लगा, तो मैं इसको ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ये हमारा मॉनिटर है, इसके बारे में भी बात करता हूँ। देखो यार अगर मैं यहाँ पर मॉनिटर लिखूँ मॉनिटर, ठीक है, तो एक बड़ा चीप सा मॉनिटर अगर मुझे चाहिए तो ये सबसे बढ़िया मिला मुझे। और एक एसर का ये काफ़ी बढ़िया मॉनिटर है, ये आपका एज अ प्राइमरी मॉनिटर चल भी जाएगा, लेकिन क्या है ना कि ये वाला जो मॉनिटर है जो मैं मंगा रहा हूँ 2896 रुपये का, ये बड़ा बेसिक सा मॉनिटर है, आने वाले टाइम में ये आपकी सेकेंडरी स्क्रीन बन जाएगा, बहुत छोटा सा मॉनिटर है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन ये है कि अगर आप बजट में हो तो काम चला सकते हो। अगर आपको लोकल मार्केट में चीप मिल जाता है, 1500-1500 रुपये के मॉनिटर भी मिलते हैं, जी हाँ नेहरू प्लेस पर आप जाओगे तो आपको मिलते हैं। आप में से कई लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि नहीं मिलते हैं 1500 के मॉनिटर, तो यार सेकेंड हैंड मॉनिटर्स मिलते हैं नेहरू प्लेस पे 1500 रुपए का, आप जाकर देखना। लेट मी टेल यू कि जो ज़ेब्रोनिक्स का मॉनिटर है, दिस शुड बी फाइन यार, दिस शुड बी फाइन, कम से कम कुछ नहीं तो काम चल जाएगा। 15.4 इंच का है ये, तो इसको ऐड टू कार्ट कर देते हैं, वरना अगर आप थोड़ा सा मॉनिटर पे ज़्यादा खर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो, इट विल बी वर्थ इट। कोई भी यहाँ पर कुछ भी स्पॉन्सर्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि एक बजट पीसी बिल्ड मैं बनाना चाहता था तो मैं वो बना रहा हूँ। तो ये हमारा मॉनिटर हो गया, ये हमारा PSU हो गया, PSU प्लस कैबिनेट। अब ये मत कहना माउस कीबोर्ड भी करो ऑर्डर, मेरे पास माउस कीबोर्ड पड़ा हुआ है, आप चाहो तो लोकल मार्केट से ले सकते हो, 2400-500 रुपये का माउस कीबोर्ड मिल जाएगा। ये हमारी SSD हो गई, ये हमारा हो गया Ryzen 3, ये 20,723 रुपए का मुझे सब कुछ पड़ रहा है। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ आइटम्स इसमें महंगे हो चुके हैं, मैंने एक्चुअली में ये वाला कॉम्बो था आई थिंक 2000 का देखा था, ये जो हमारा कॉम्बो है, और उसी के साथ साथ एक चीज़ और बहुत ज़्यादा महंगी हुई है और वो है प्रोसेसर। तो MD कंप्यूटर पे भी आप लोग चेक कर सकते हो प्रोसेसर, और वहाँ से सस्ता मिले तो आप वहाँ से मंगा लेना, बट आई एम नॉट गोइंग टू ओवरथिंक और मैं यहीं से मंगा रहा हूँ इसको। ये प्राइस भी बहुत अच्छा है बाय द वे, कि 9000 का इसका एक प्राइस चला करता था आज से एक साल पहले, मैंने 9000 का कई लोगों को दिलवाया है। 3200G एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है, जी वाला ही क्यों जो ना, जी फॉर होता है ग्राफिक्स, यानी कि इसमें ग्राफिक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके एवरीथिंग लुक्स गुड, और क्या हम रेडी हैं मंगाने के लिए? यस वी आर, प्रोसीड टू बाय। मैं इसको परचेज करने वाला हूँ और जैसे ही आएगा मैं यहीं पर बिल्ड करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मुझे अपने क्रेडिट कार्ड से 1250 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है अगर मैं
फुल पेमेंट कर दूं तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गो फॉर इट। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ऑर्डर टोटल कितना हो गया, 14,732 रुपये हो गया, जिसमें से 4,740 रुपये का मैंने अमेजोन पे बैलेंस यूज किया। 1,250 का डिस्काउंट मिल गया मुझे, 19,472 रुपये में विद मॉनिटर विद पेरिफेरल्स आपको बन के मिल रहा है ये। तो यार मजा ही आ गया यार, ये ऑर्डर तो मतलब काफी सस्ता पड़ गया। प्लेस योर ऑर्डर एंड पे, और OTP डालने के बाद ओके एंड इट्स सिक्योरली रीडायरेक्टिंग और हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। वाओ ऑसम। 2000 years later. So guys, यहाँ पर आ चुकी है हमारी PC, है हमारा केस है। जल्दी से मैं इसको अपने यूनिवर्सल अनबॉक्सिंग टूल से अनबॉक्स करता हूँ। शायद ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है अनबॉक्स करने का, लेकिन ये काम करता है हर बार। तो ये आ गया हमारा केस, जैसे कि आप देख सकते हो काफी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे दिख रही है। पूरा मेटालिक केस है ये, काफी ड्यूरेबल भी लग रहा है। और इसमें पावर सप्लाई ऑलरेडी आती है, सबसे बढ़िया बात इसकी है। इसके साथ एक केबल भी देखने को मिलता है। वाओ, ये केबल जो है इतनी बढ़िया चीज है ना कि आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हो, वरना ये केबल आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। लेकिन इन लोगों ने ध्यान रखा है सब चीजों का। तो ये केस काफी बढ़िया है, मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। गाइस ये मॉनिटर देख रहे हो, कितना छोटा सा मॉनिटर आया हमारा, इसको मैं अनबॉक्स करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। ये पूरे अमेज़न पे सबसे सस्ता मॉनिटर है, प्लस ये ब्रांडेड भी है, ज़ेब्रोनिक्स का है। इसका बेस स्टैंड है, इसमें पन्नी लगी हुई है, काफ़ी प्रीमियम फील आ रही है। 2-3 हज़ार रुपये का मॉनिटर को अनबॉक्स करके भी काफ़ी अच्छी तरह से इसकी पैकिंग की गई है, क्योंकि यार ये टूटने वाली चीज़ है। So, ये मॉनिटर है, काफी छोटा है, बिल्कुल मेरे फेस से थोड़ा सा ही बड़ा है बस। अब इसका जो स्टैंड है नीचे का वो भी लगा देते हैं। इस मदरबोर्ड से आप लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें मत करना, बट वैल्यू फॉर मनी है जितने पैसे आपने दिए हैं। इसके अंदर की ये जो किताबें हैं इनको मैं आज रात को पढ़ूंगा आराम से लेट के, लेकिन फिलहाल मैं अभी अपना PC बिल्ड कर लेता हूँ। और ये है हमारी RAM, और ये है हमारी SSD, और ये है हमारा Ryzen 3 प्रोसेसर। तो हमें करना क्या होता है कि जो इसका ये वाला ट्रायंगल होता है उसको ये वाले ट्रायंगल से मिलाना होता है, वाइट वाले। इसको आपको खोलना है, सिंपली इन दोनों ट्रायंगल्स को मैच करना होता है, और फिर इसको कुछ इस तरह से। इसके बाद ये रही हमारी रैम, इसको कुछ इस तरह से लगा दें। इसके बाद आ गई हमारी ये 2.5 SATA SSD जो कि 256 GB की है। इसके साथ SATA केबल भी नहीं मिला, लेकिन फॉर्चुनेटली हमें SATA केबल मिल गया है हमारे मदरबोर्ड के साथ। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको SATA केबल को निकालूंगा इसमें से, इसको लगाऊंगा कुछ इस तरह से, और ये इसके SATA पोर्ट में सीधे। इंश्योर करें आप इसको SATA 1 में लगाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मदरबोर्ड का SATA 1 पोर्ट जो होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। सो गाइस हमें इस कूलर को लगाने के लिए यहाँ पर जो 4 पेज दिए हुए हैं खोलना पड़ेगा, तो जल्दी से खोलते हैं। और अगर आप लोग ये एग्जैक्टली बिल्ड कर रहे हैं ना ये वाला PC, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो गाइस इंश्योर करें ये टाइट हो जाए आपका बिल्कुल। तो ये IO शील्ड आप लोग लगा लेना, थोड़ी सी मजदूरी लगेगी गाइस वो कर लेना, और ढंग से पेच कस देना सारे के सारे। बहुत सारे लोग मैंने देखा कम लगाते हैं पेच, आप लोग जो है ऐसा मत करना, ज्यादा टाइट भी ना कसे, क्योंकि जब आपके पोते खोलेंगे अपने दादाजी का कंप्यूटर तो खुल जाना चाहिए वो। इसके बाद हमें पावर सप्लाई में जो ATX कनेक्टर है ये घुसा देना है कुछ इस प्रकार से। ATX कनेक्टर को टाइटली लगा दें, फिर इसके बाद आपको एक इसमें लगाना होगा अपनी SSD में। तो गाइस इसमें आपको ये जो USB लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये USB आपको मदरबोर्ड में जहाँ पे USB लिखा हुआ है वहाँ पर लगाना है। सेम गोज फॉर ऑडियो, आपका जो ऑडियो वाला है उसमें भी ऑडियो लिखा होगा, आपके मदरबोर्ड में भी HD ऑडियो जैसे कि लिखा है आप देख सकते हैं। सो आपका जो मदरबोर्ड की डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो इसके साथ एक पेपर मिलता है, उसमें लिखा होता है कि किस तरह से आप लोगों को लगाना है ये वाले जो 4 कैबिनेट से निकलने वाले वायर्स होते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसका अरेंजमेंट दिया हुआ होता है, तो आपको देख कर लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद ओ मा गुड टू लव, आपका PC चालू हो चुका है दोस्तों। ताली बजाइए, मिठाई बटवाइए अपने मोहल्ले में। अरे ये लग क्यों नहीं रहा है भाई, लग जा जल्दी, लग गया। तो यार सारे केबल्स को कनेक्ट करने के बाद चालू करके मुझे मज़ा आ गया है। अब आपको सिंपली करना क्या है कि आपको इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, और विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक मीडिया क्रिएशन ड्राइव का इस्तेमाल किया है, जो कि आप लोग बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। एक मीडिया क्रिएशन टूल करके डाउनलोड होता है, आप सिंपली गूगल कर सकते हो इस चीज़ को, डाउनलोड मीडिया क्रिएशन टूल, और उसके बाद आप लोग उसको डाउनलोड करके अपनी किसी भी USB को यूज़ करके मीडिया क्रिएशन टूल बना सकते हो विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए। और उसके बाद आपको उस पेन ड्राइव से बूट करना है और आपकी विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी।
विंडोज इंस्टॉल करके मैं जरा वापस आता हूँ, तब तक आप चाय वाय पी लो। सो गाइस, मैंने ज़ेब्रोनिक्स का कीबोर्ड, ज़ेब्रोनिक्स का माउस, ज़ेब्रोनिक्स का मॉनिटर और ज़ेब्रोनिक्स का बस कैबिनेट नहीं और एक मैं ज़ेब्रोनिक्स का नहीं हूँ, ये सारी चीजें लगाकर मैंने स्टार्ट कर दिया इस पीसी को। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने विंडोज इसमें ऑलरेडी डाल दी है, कहीं आप सोचो जादू वादू से चल रहा है। इसकी एलईडी वगैरह मुझे काफी बढ़िया लग रही है यार, मतलब देख रहे हो आप लोग, ये सब चेंज भी हो सकती है एलईडी इसमें। सबसे पहले प्रीमियर प्रो को टेस्ट करके देखते हैं यार, प्रीमियर प्रो कैसा चलता है। मैंने इसको काफी टाइम लेके टेस्ट किया, प्रीमियर प्रो धमाकेदार चल रहा है इसमें, मतलब आप आराम से वीडियो एडिट कर लोगे। 1080p तो बड़े मक्खन की तरह एडिट होगी और 720p मलाई की तरह। चौंका देने वाली बात यह है कि इसमें 4K भी बढ़िया एडिट हो रही थी, मतलब कि अभी इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है, अगर आपने ग्राफिक कार्ड लगा दिया तो तहलके हैं तहलके। अब ऐसा नहीं है कि मैं राइजन 3 3200G की तारीफों के पुल बांधने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि राइजन 9 और i9 और ये सारे प्रोसेसर बनना बंद हो जाने चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जितने पैसे हमने दिए हैं उसके हिसाब से काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस है। पन्नी छुटा लेते हैं यार, पन्नी छुटाने का यार मतलब बचपन से मेरी आदत है, और क्या बताऊं आपको, आत्मा तृप्त हो जाती है पन्नी छुटा के मेरी। और मेरे सामान की पन्नी सिर्फ मैं ही हटा सकता हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को हटाने दूं, मैं किसी को हटाने नहीं देता हूं अपनी चीजों की पन्नी है। सारे थिएटर्स बंद हो जाने चाहिए इस दुनिया में क्योंकि ये मॉनिटर आ गया है। मजाक कर रहा हूं, ये मॉनिटर जो है जितने पैसे आपने दिए उसके हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छा रेजोल्यूशन दे रहा है। VLC मीडिया प्लेयर इसमें डाल रहा हूँ, इसको इंक्रीमेंटली सेटअप करता जा रहा हूँ मैं। ये कीबोर्ड और माउस भी काफ़ी सस्ता है गाइस, अगर आप लोग खरीदना चाहते हो, बहुत सारे लोग पूछेंगे, करीब 1300-1400 रुपये में कॉम्बो मैंने ले लिया था कीबोर्ड माउस को, और अभी तो बिग बिलियन डे आ रहे हैं। चलो एंड्रॉइड स्टूडियो जल्दी से इसमें टेस्ट कर लेते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो देखो पटाक से खुल गया। देखो पहली बार अगर आप लोग एंड्रॉइड स्टूडियो राइजन 9 या i9 में भी डालोगे ना, 4090 लगा के, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड करने में, कंपोनेंट्स को सेटअप होने में। तो इनिशियली एंड्रॉइड स्टूडियो काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन मैंने बाद में एंड्रॉइड स्टूडियो इसमें चलाया, एम्युलेटर भी बहुत ढंग से चल रहा था, मतलब कि इतना ढंग से चल रहा था कि आप लोग अपने एंड्रॉइड फोन्स मेरे घर भिजवा दो और इस एम्युलेटर से काम चलाओ। अब लोग कमेंट में कहेंगे मेरे पास तो आईफोन ना रहे भाई, आईफोन ना तो पहली फुर्सत में भिजवा दो। तो यार मैंने इसको काफ़ी चलाया, 5-6 दिन बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखी। इसमें एक फ़ैन आप लोग लगा सकते हो, आप लोग देखो CPU के लेफ्ट साइड में एक फ़ैन की जगह है, यहाँ पर आपको छेद दिख रहे होंगे, उसमें आप लोग अंदर से एक फ़ैन लगा सकते हो इसमें। अगर आप लोग CPU इंटेंसिव टास्क करा रहे हो तो थोड़ा बहुत हीट अप हो सकता है, और वो हीट निकालने के लिए काफ़ी बढ़िया गर्मियों में वो रहेगा फ़ैन। अब अगर आप लोग कोडिंग करना चाहते हो तो इस PC में कोडिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। एक अच्छा कीबोर्ड माउस आप लोग लगाओ, और मॉनिटर तो फ्यूचर में आपको लेना ही पड़ेगा अच्छा, और उसके बाद ये PC बहुत बढ़िया है। गेमिंग करना चाहते हो तो ग्राफिक कार्ड भी लगा लेना, वरना मैं बता दूं कि सिर्फ कोडिंग कर रहे हो तो ऐसा ग्राफिक कार्ड की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। तो एक फाइनल वर्डिक्ट के तौर पर कैसा है ये PC, क्या आप लोग इसमें अपने पैसे झोंकना चाहेंगे, क्या आप चाहेंगे इसको खरीदना? तो यार मेरी फाइनल वर्डिक्ट तो ये, अगर आप लोग एक कोडर हैं और आपका बजट टाइट है तो ये PC ऑलमोस्ट 50,000-60,000 रुपए वाले लैपटॉप का काम करेगा। आप एक बार इसमें ग्राफिक कार्ड अगर लगा देते हैं तो, ग्राफिक कार्ड हाँ आपको थोड़ा इंतजार करके इसमें लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। हमने भी इसमें 8GB RAM लगाई, आप इसमें एक और 8GB RAM लगा सकते हो, 16GB आपकी टोटल रैम हो जाएगी। इसके बाद आप इसमें 4060 जितना बड़ा कार्ड लगा सकते हो, अगर आप लोग एडिटिंग वगैरह या ग्राफिक इंटेंसिव टास्क करना चाहते हो, लेकिन उसके बाद भी सारी चीजों को रखते हैं साइड में, अभी भी बहुत पावरफुल है और अच्छा चल रहा है। मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो चलाया, बहुत बढ़िया चल रहा था, मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबली इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो चलेगा, आप लोग आराम से अपना डेवलपमेंट कर लोगे। फिर अगर बात रही VS कोड वगैरह की तो मैं कहूंगा कि यार VS कोड वगैरह भी इसमें बहुत स्मूथ चलेगा, वो तो चलता ही है यार। हाँ बस अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो इसका मॉनिटर थोड़ा छोटा है, थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, बट उसके बाद भी मॉनिटर ने मुझे काफी इंप्रेस किया। अब ऐसा नहीं है कि मैं तारीफ कर रहा हूं, मैंने ये बिल्ड किया PC तो, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन अपना दे रहा हूं। मॉनिटर थोड़ा छोटा है, दिक्कत थोड़ी बहुत आपको देखने को पड़ सकती है। फिर उसके बाद अगर आप लोग एक नया मॉनिटर लेते हो ना आने वाले टाइम में, तो आप उसको अपना मेन मॉनिटर बनाओ, इसको अपना सेकेंडरी मॉनिटर बना दो, तो स्कोप जो है ना इंक्रीमेंटली इसको इंप्रूव करने का वो बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। मैं आपको बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखना चाहता हूं, मैं बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहता जिससे कि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम हो अगर आप PC बिल्ड कर रहे हो तो। मैं आपको बता दूं कि अगर आप आने वाले टाइम में एक पावरफुल ग्राफिक कार्ड इसमें लगाओगे ना, तो आपको पावर सप्लाई भी चेंज करनी पड़ेगी। तो हाँ थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, बट अगेन अगर आप लोग इंप्रूव करना चाहते हो, इस PC को अच्छा करना चाहते हो, थोड़े थोड़े करके पैसे लगाकर इसको इंप्रूव करते रहना चाहते हो, तो मैं तो कहूंगा कि बहुत कंफर्टेबली आप इसमें गेमिंग कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो आने वाले 3-4 साल तक बड़े आराम से। तो कुल मिलाकर अगर कहें एक बेकार लैपटॉप लेने से कई गुना बेहतर और बजट फ्रेंडली ये है, आपको 30-40 हज़ार रुपए में भी इस स्पेक का लैपटॉप नहीं मिलने वाला। तो वो सारे भाई जिन लोगों को टाइट बजट में PC बिल्ड करना है, मेरे हिसाब से ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको कैसा लगा, क्या आप बिल्ड करेंगे इस तरह की PC, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। और ये है हमारा Ryzen 3 प्रोसेसर, और ये है हमारा Ryzen 3 प्रोसेसर, नहीं हुआ, और ये है हमारा Ryzen 3 प्रोसेसर, और ये है हमारा Ryzen 3। क्या बात।
कैमरामैन से पूछते हैं।